क्लास 11th, सब्जेक्ट आईपी, और हमारा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है नए सिलेबस के हिसाब से, इसमें है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जाना है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे मैंने बहुत बार बात की। तो अब इस वक्त हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बोलने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर्स। इर्तिका ने शायद इस पे ऑलरेडी कुछ क्लासेस अटेंड की है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई, तो जिस तरह से हम लोग आज कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं था इंटरेक्शन का जैसे हम आजकल अपनी डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इन द सेम वे वी इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, इन द सेम वे। फॉर एग्जांपल, जैसे कल की बात है, हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ने शुरू कर दिए। हमने उसमें एक नंबर सिस्टम के बारे में कहा कि दिस इज द नंबर सिस्टम विच इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स। दैट वाज विच नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी जब हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पे हम लोगों ने बताया कि डिजिटल कंप्यूटर्स, एंड डिजिटल कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच एक्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस डेटा विच इज एसेंशियली इन द बाइनरी फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं डेटा इन द डिजिटल फॉर्म एंड प्रोसेस भी करते हैं डेटा को इन द डिजिटल फॉर्म। तो अब यहाँ पे हमें पिछले दिनों शुरू किया था इन चीजों को गहराई से जानने का, हमने नंबर सिस्टम को जानने की कोशिश की, क्योंकि अब नंबर सिस्टम को आप आज के लिए रहने दें। आज हम दूसरे चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के मेन दो टाइप्स है, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में इससे पहले वाली जो क्लास थी, जो नंबर सिस्टम से पहले वाली क्लास में, उसमें भी मैंने थोड़ा तफसील से आप लोगों को बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, दूसरे कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आप लोगों से बात की। तो आज हम बात करेंगे कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो आप लोगों को विजुअल बेसिक्स पढ़ना है, लास्ट वाला जो यूनिट है हमारा विजुअल बेसिक्स है, और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर का आईक्यू जीरो होता है, कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, उसको काम समझाना पड़ता है। कौन समझाएगा उसको वो काम? वो इंसान जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज आती हो, वो ए पर्सन हु नोज द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, ही इज द पर्सन हु टीचस द कंप्यूटर What to do and how to do, वही कहता है उसको, वही समझाता है कंप्यूटर को कि कौन सा काम कैसे करना है, बैंक का काम कैसे करना है, हॉस्पिटल का काम कैसे करना है, शॉप का काम कैसे करना है, डिफरेंट जो काम है वो उसको वही शख्स समझाता है जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज आती हो। उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर, उसको हम प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। प्रोग्रामर इज अ पर्सन who knows the language of the computer and he is able to teach the computer to perform a particular task. Now, इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो अब आप लोगों को भी कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन पहले हम इसकी तवारीख में जाते हैं, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि पहले पहले जब कंप्यूटर्स आए तो लोगों को पता है कैसे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था? जीरो और वन को इस्तेमाल, आपको टू बताना था, पहले आपको टू को बाइनरी में कन्वर्ट करना था, फिर प्लस को भी बाइनरी में लिखना था, फिर थ्री लिखना था, थ्री को भी बाइनरी में लिखना था, और कंप्यूटर भी जो वापस रेस्पॉन्स है वो भी वो किस में देता था? वो भी वो बाइनरी में ही देता था, जीरो और वन में देखता। बाद में उसको वापस कन्वर्ट करना पड़ता, पतो सिवान सामुश की जवाब फाइव।
यहां से टू देते थे वो भी बाइनरी में, प्लस देते थे वो भी बाइनरी में, थ्री देते थे वो भी बाइनरी में, और इसके बाद कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके क्या देता था, रिजल्ट देता था। और वो रिजल्ट जो है वो भी हमारे सामने किस तरह से आता, वो भी हमारे सामने बाइनरी फॉर्म में आता था। बाद में उसको वापस डिकोड करना पड़ता था, वो 101 आ जाता, हम उसको वापस करना, हाँ ये 5 है, 5 इसने आंसर बताया। कितना मुश्किल था कंप्यूटर पे काम करना, आम लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। कि हर कोई काम आपको कंप्यूटर में जो है वो आपको किससे करना था, जीरोस और वन्स को इस्तेमाल करके करना था। हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है, हम इंसान, हम लोग कश्मीरी है, हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है दैट इज कश्मीरी। इसी तरीके से कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। डिजिटल वर्ल्ड दो चीजों पे कायम है, जीरो एंड वन, जीरो और वन के बगैर वो कुछ समझते ही नहीं है। अब जो है पहले पहले हर सब कुछ हमें किस फॉर्म में देना पड़ता था, जीरोस एंड वन्स में देना पड़ता था। जैसे आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ऐसे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल आपको पहले 2+3 लिखना था, उन दिनों 2+3 आपको पहले फॉर एग्जाम्पल 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करना था, दैट इज 10। प्लस के लिए आपको कोई बाइनरी स्ट्रिंग याद रखनी थी, से फॉर एग्जाम्पल प्लस के लिए हम लोगों को लिखना पड़ता था 1011 या 1010, से फॉर एग्जाम्पल, और 3 के लिए 11। बाद में जो वहां से रिजल्ट आता 101, बाद में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता था किसमें, डेसिमल में, फिर हम समझते थे इसने 5 आंसर दे दिया है, इसने आंसर क्या दिया है, 5। कितना मुश्किल था कंप्यूटर पे काम करना, कितना मुश्किल था कि हर कोई काम जो आपको कंप्यूटर पे करना था, आपको जो भी काम कंप्यूटर पे करना था आपको उसके लिए एक बाइनरी स्ट्रिंग याद रखनी पड़ती थी। जैसे हम लोग आज करते हैं ना, एड, डिलीट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कॉपी पेस्ट, से फॉर एग्जाम्पल आपको हर किसी कमांड के लिए एक एक बाइनरी स्ट्रिंग याद रखनी थी। फॉर एग्जाम्पल मुंह के लिए, से फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए, मुंह के लिए 1011 1001, फॉर एग्जाम्पल एड के लिए 1010, सब्ट्रैक्शन के लिए 1110। इसी तरीके से हर कोई काम करने के लिए आपको कंप्यूटर पे क्या याद रखना पड़ता था, एक बाइनरी स्ट्रिंग याद रखनी पड़ती थी, क्योंकि कंप्यूटर पे कंप्यूटर के ही लैंग्वेज में हमें उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता था। यानी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन के लिए हमें कंप्यूटर की उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, कंप्यूटर की जो नेचुरल लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज वो सीखनी पड़ती थी। तो इससे क्या होता था, कहीं से जीरो और वन के, जीरो के बदले वन हो गया, वन के बदले जीरो हो गया, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या होता था, वो खराब हो जाता था, उसमें एरर्स आ जाते थे, हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आते थे। तो इसके बाद लोगों ने क्या कहा कि ये क्या परेशानी है, कि हमें कोई ऐसा तरीका निकलना चाहिए कि जिसे हम आसानी के साथ कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करें। तो इस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं दिस इज द मशीन लैंग्वेज, या हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो ये दिस इज द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेटर। ये इट इज जस्ट लाइक कश्मीरी इज टॉकिंग विद द कश्मीरी। एंड मगर ये क्या थी, ये बहुत ही टफ थी, आम लोग इस कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, तो कंप्यूटर में एरर्स बहुत ज्यादा आते थे। लेकिन एक ही फायदा था इसका कि ये जो है एग्जीक्यूशन इसका फास्ट होता था, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी के साथ बात करेगा उनको बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये एक एडवांटेज था बाइनरी लैंग्वेज का कि इसमें जो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद लोगों ने कहा कि अब कोई आसान सा तरीका निकलना चाहिए कि हम कंप्यूटर के साथ आसानी के साथ इंटरेक्शन करने चाहिए। तो उसके बाद आ गई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल किए गए, न्यूमानिसिस इस्तेमाल किए गए, इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। सिंबल्स को याद रखना इंसानों के लिए आसान होता है,
एज कंपेयर टू स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस. जो वो हर किसी काम के लिए हमें जीरोस और वंस याद रखने पड़ते थे, उसके बरक्स ये आसान है कि हम लोग क्या याद रखें, हम लोग सिंबल्स को याद रखें. जैसे आप लोग स्क्रीन पे देखते हो, मैंने स्क्रीन शेयर करके रखी है आप लोगों के साथ, लोड एड एडीडी स्टोर एसयूबी सब्ट्रैक्शन एमयूएल मल्टीप्लिकेशन एमओवी मूव. तो ये थोड़े आसान है. फॉर एग्जांपल अब अगर हमें ये करना होता, यही अभी वाला ऑपरेशन जो है यहां, ये थ्री प्लस ये वाला ऑपरेशन जो अभी हम लोगों ने किया, अगर ये वाला अब हमें करना पड़ेगा कहां पे, कंप्यूटर पे, तो इस वक्त हमें क्या करना था, जैसे ये वाला, अब यहां पे हमें क्या लिखना था, एड ए डी डी एड एड लिखना था. अब ये बाइनरी ये वाली परेशानी नहीं थी. अब ये ऐसे हर किसी चीज को बाइनरी में लिखना, ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी. अब ये तो अब क्या लिखना है, अब सिंपली लिखना है ए डी डी एड 2, 3. ये आसान है ना, दिस इज इजी फॉर द पीपल. हाँ, इंसानों के लिए ये सिंबल्स याद रखना आसान, इट इज इजी. यही सिंबल्स इस्तेमाल किए गए सब्ट्रैक्शन के लिए एसयूवी, मूव के लिए फॉर एग्जांपल एमओवी, इसी तरीके से डिवीजन के लिए डीआईवी, इसी तरीके से अभी आप लोगों ने कुछ सिंबल्स यहां पे भी देखे, लोड एड स्टोर, ऐसी एब्रीविएशन इस्तेमाल की गई, सिंबल्स इस्तेमाल की गई कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए. दिस वॉज इजी. ये लोगों के लिए क्या था, इजी था. इट वॉज इजी फॉर द पीपुल टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज की मदद से ये आसान था लोगों के लिए कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सके. अब लेकिन सवाल यहां पे है, क्या ये एड कंप्यूटर समझेगा, एड एड समझेगा कंप्यूटर? नो नो सर. टू समझेगा, कॉमा समझेगा, थ्री समझेगा? नो. क्यों? नो सर. क्यों? क्योंकि ये सिंबल्स एंड नोन्स समझता है. नहीं, ये जीरोस, जीरोस और वंस को समझता है. ये जीरोस और वंस के बगैर कुछ नहीं समझता है. ये बाइनरी लैंग्वेज के सिवा कोई लैंग्वेज समझता ही नहीं. ना ये एड समझेगा, ना ये सब्ट्रैक्शन समझेगा, ना ये मल्टीप्लिकेशन समझेगा, ना ये कामा समझेगा, ना ये टू समझेगा, ना ये ए समझेगा, ना ये बी समझेगा. कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन को समझता है, बस. yes. सवाल कुछ नहीं समझता. अब सवाल पैदा होता है कि अब ये कैसे समझेगा. अब अभी तक तो कश्मीरी कश्मीरी के साथ बात करता था. yes, हम कंप्यूटर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते थे कंप्यूटर की लैंग्वेज में. लेकिन अब क्या है, अब हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इसमें क्या है, इसमें अब ट्रांसलेटर की जरूरत है, इसमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है. तो क्या किया गया, यानी अंदर से तो कंप्यूटर यही समझेगा, ये जीरो वन, इसके बगैर कुछ नहीं समझेगा. जीरोस और वंस के बगैर कुछ नहीं समझेगा कंप्यूटर. ये दिस यही इसी में हमें वापस इसको कन्वर्ट करना है. लेकिन हमने अभी तक कश्मीरी कश्मीरी के साथ बात करता था. अब हमें अब कश्मीरी एक इंग्लिश मैन के साथ बात कर रहा है. तो बीच में हमें किसकी चाहिए, एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, जिसको कश्मीरी भी आती है और जिसको इंग्लिश भी आती है. अब वो कश्मीरी से बात सुनेगा, किसको बताएगा, इंग्लिश मैन को. इंग्लिश मैन से बात सुनेगा, बताएगा कश्मीरी को. तो यहां पर एक ट्रांसलेटर की जरूरत है. एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं असेंबलर, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं असेंबलर. आपके सिलेबस में असेंबलर का काम क्या होता है, वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज. देखो ये हमारे जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है. कंप्यूटर जिस तरह से हम इंसान लैंग्वेज समझते हैं, एक लैंग्वेज के मदद से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर्स भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज थी, लो लेवल लैंग्वेज,
जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। उसमें क्या होता था, जीरोस और वन्स का इस्तेमाल किया जाता था, जीरोस और वन्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके बाद लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि ये जीरोस और वन्स याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है और प्रोग्राम में एरर्स आते थे और आम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। उसमें क्या इस्तेमाल किए गए, निमोनिसिस इस्तेमाल किए गए, सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया, सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। तो यहां पे अब हम बात कर रहे हैं मिडल लेवल लैंग्वेज की, यानी असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज में हम निमोनिसिस का, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और याद ये चीज रखना है कि वो चीजें, ये जो हम लोड की बात करते हैं, ये जो हम ऐड की बात करते हैं, सब की बात करते हैं, मूव की बात करते हैं, ये कोई चीज कंप्यूटर नहीं समझने वाला। कंप्यूटर खाली ये चीज समझेगा, ऐसी चीज समझेगा, ये वाली चीज, ये बाइनरी, बाइनरी फॉर्म में डेटा को समझता है, चीजों को समझता है मशीन लैंग्वेज। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसी में वापस कन्वर्ट करना है, तो कौन करेगा, बीच में कन्वर्टर की जरूरत है। मैंने अभी कहा ना कि इट इज जस्ट लाइक अ कश्मीरी मैन इज टॉकिंग विद व्हाट, विद एन इंग्लिश मैन। तो बीच में क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं असेंबलर, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं असेंबलर। वो क्या काम करता है, वो काम करता है जो ये मशीन, ये जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज, इसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज। एंड असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड असेंबलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जो एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज, दैट इज असेंबलर। ये आप लिखना, याद रखना, यही है सिलेबस में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यानी ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू, फॉर एग्जांपल एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर, इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटर। असेंबलर इज कन्वर्टिंग ए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। अच्छा, तो इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद लोगों ने क्या कहा, हाँ लेकिन इसका क्या है, इसमें टाइम लगता है। देखो फॉर एग्जांपल मशीन लैंग्वेज का फायदा क्या था, कि उसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जल्दी होती थी, फास्ट होती थी। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को उसको अंडरस्टैंड करने में कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि कंप्यूटर की वो अपनी लैंग्वेज थी, उसको अंडरस्टैंड करता था। लेकिन अब कंप्यूटर तो अपने ही लैंग्वेज में समझेगा, लेकिन हमने यूजर के लिए बीच में क्या लगाया, ट्रांसलेटर लगाया। लेकिन ट्रांसलेटर जब यूजर से सुनता है, यानी असेंबली लैंग्वेज को ले लेता है, उसको कुछ टाइम लगता है उसको कन्वर्ट करने में किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। तो इसके बाद लोगों ने क्या कहा, इसके बाद लोगों ने कहा कि ये क्या परेशानी, कि हर किसी काम के लिए, अगर सिंबल्स याद रखना आसान है, अगर न्यूमानसिस याद रखना आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है इंसानों के लिए कि हर किसी काम के लिए एक एक सिंबल याद रखे। अगर जो एज कंपेयर टू द बाइनरी लैंग्वेज, इट इज इजी टू यू रिमेंबर द सिंबल्स, बट इट इज नॉट टू इजी फॉर ए पर्सन, फॉर ए प्रोग्रामर, फॉर ए यूजर टू रिमेंबर सिंबल फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। हर किसी काम के लिए एक एक सिंबल को याद रखना आसान बात भी नहीं होती है। तो लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि कोई आसान सा तरीका निकलना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं, पहले तो कहते थे कि जीरोज और वन्स से छुटकारा मिलना चाहिए, ये जीरोज और वन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अब उसके बाद जब उसमें आसानी आ गई, असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ गया, असेंबली लैंग्वेजेस आ गई, असेंबलर का कॉन्सेप्ट आ गया, कि एक ट्रांसलेटर इस्तेमाल क्रिएट किया गया जो लोगों से असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लेता था और उनको कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। अब उसके बाद क्या है,
अब इसके बाद लोगों ने कहा कि आप कौन याद रखेगा क्या ये सिंबल्स हर किसी काम के लिए, तो लोगों ने कहा कि जिस तरह से हम अपने डे टू डे लाइफ में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बिल्कुल हम उसी तरीके से कंप्यूटर के साथ भी इंटरेक्ट करने चाहिए। तो आ गया कंसेप्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस का, हाई लेवल लैंग्वेजेस का। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स बोलने का मतलब है जैसे हम अभी हम उसी अपनी वाली एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे जैसे मशीन लैंग्वेज में हम लोग क्या करते थे, हम लोग हर किसी चीज को कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में ऐसे। इसके बाद क्या आ गया असेंबली लैंग्वेज में, उसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे ऐसे। लेकिन अब लोगों ने क्या कहा कि जिस तरह से हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से हम कंप्यूटर के साथ भी करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सीधे लिखते हैं 2 + 3 सिंपल। तो असेंबली लैंग्वेज में हम सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिंट, प्रिंट करो PRINT, प्रिंट, प्रिंट ए समथिंग लाइक दैट, स्कैन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, गेट डेटा, पुट डेटा। हम लोग आजकल सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं ना कंप्यूटर पे, जैसे मैसेज प्रिंट, लेबल, ऐसी ऐसी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट, क्रिएट, ऑल्टर, ऐसी ऐसी कमांड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर पे। तो ये क्या है, दीज आर सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। तो अब कौन सा दौर आ गया, अब आ गया हाई लेवल लैंग्वेजेस का दौर। उसके बाद अब हाई लेवल लैंग्वेजेस का दौर आ गया सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे हम इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ऐसे ही हम लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन सवाल फिर से पैदा होता है कि क्या कंप्यूटर प्रिंट को समझेगा, क्या कंप्यूटर प्लस को समझेगा, क्या कंप्यूटर टू को समझेगा, क्या कंप्यूटर क्रिएट को समझेगा, क्या कंप्यूटर ऑल्टर को समझेगा, किसी टेक्स्ट कमांड को नहीं समझेगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज जो है दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, वो 0 और 1 के बगैर कुछ नहीं समझता। फिर से बारी आ गई कि ये हाई लेवल लैंग्वेज हम लिखेंगे, यूजर लिखेगा अपनी लैंग्वेज में, लेकिन इसको बाद में कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, बाइनरी लैंग्वेज। फिर से वही काम करना है, अंदर से तो वैसे ही काम होता है जैसे पहले जमाने में होता था, कोई चेंज नहीं आया, खाली किसमें चेंज आ गई कि बीच में ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग ट्रांसलेटर, 2 ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं, एक को हम कहते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू, ये लिखो आप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आप लोगों के एग्जाम में आएगा, व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज असेंबलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर, ठीक है ये सब। yes. हाँ, तो कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। जैसे मैंने ऊपर अब क्या लिख दिया, प्रिंट लिख दिया, स्कैन लिख दिया, एड ऐसे लिख दिया, अब इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, इस 2 + 3 को इसी में कन्वर्ट करना है, यही अंदर से तो ऐसे ही काम होगा, ऐसे ही काम होगा, तो यहाँ पे ऐसे ही काम होगा। तो अब यानी ये जो 2 + 3 है इसको हमें बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ट्रांसलेटर, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रोग्राम जो लिखा है किसमें लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, अब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कंपाइलर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज। हम उसको कहते हैं दिस इज कंपाइलर। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। एंड अब ये क्या काम करता है, ये जो कंपाइलर है ये एट अ टाइम पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कन्वर्ट करता है, पूरे प्रोग्राम एट अ टाइम पूरे कोड को लेता है। दूसरा है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेट हम लोग कहते हैं ना, इंटरप्रेट उसी का इंटरप्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट होता है, यानी एक एक स्टेटमेंट को एट अ टाइम कन्वर्ट किया जाता है।
पहले एक स्टेटमेंट को किया जाता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को. बाकी ये भी इंटरप्रेटर भी यही काम करता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज. इंटरप्रेटर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. इंटरप्रेटर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. ये मैंने थोड़ा आप लोगों को बताया कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में. तो कंप्यूटर लैंग्वेज लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ इस वक्त इंटरेक्शन कर रहा हूं, मैं आप लोगों का सुन रहा हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हो. हम लोग एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कुछ रूल्स रेगुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हम लोग, आप मेरी बात को समझते हो, मैं आप लोगों की बात समझता हूं. लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट. तो लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज के जो है, इसी तरह से कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है. कंप्यूटर इज ऑल्सो हैविंग ए लैंग्वेज. कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है. और एज वी नो दैट कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन, इट नीड्स टू बी, इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस. हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है. तो कोई इंसान उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है? कौन शख्स? वो जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज आती हो, जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज आती हो. और यहाँ पे दो तरह की लैंग्वेजेस, एक है लो लेवल लैंग्वेजेस और एक है हाई लेवल लैंग्वेजेस. लो लेवल लैंग्वेजेस में हम लोग क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस में हम लोग, लो लेवल लैंग्वेजेस में आती है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल किए जाते थे, जीरोस एंड वंस, जीरोस एंड वंस. तो असेंबली लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल किए जाते थे, सिंबल्स एंड मॉन्स. तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कौन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर. सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन. इसी तरीके से दूसरा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, जनरल पर्पस लैंग्वेजेस या स्पेशल पर्पस लैंग्वेज, यानी इनमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल. यस सर, हाई लेवल. जैसे हम एक दूसरे के साथ अपने डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम कंप्यूटर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. तो इसमें क्या है, इसमें कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है, इंटरप्रेटर इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रांसलेट, टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज. तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एट अ टाइम करता है और ये जो है इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है. ठीक है? यस सर. तो यहाँ पे यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि कुछ चीजों के बारे में हम लोगों ने, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है. तो इस वक्त हम लोगों ने कंपाइलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में, और आप लोगों ने जाना व्हाट आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस. ठीक है? यस. व्हाट आर कंप्यूटर, और आप लोगों ने जाना व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है? लो लेवल लैंग्वेजेस में कौन आती है, मशीन लैंग्वेज आती है और असेंबली लैंग्वेज आती है. और कुछ लोग असेंबली लैंग्वेज को कहते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज. ठीक है? कुछ ऑथर्स इसको किस में काउंट करते हैं, मिडल लेवल. जैसे ऊपर अभी आप लोगों ने एक स्लाइड देखी, यहाँ पे आप लोगों ने देखा मिडल लेवल लैंग्वेज. Yes, sir. कुछ ऑथर्स इसको मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं खाली दो है, एक है लो लेवल, एक है हाई लेवल. लो लेवल में कुछ को डालते हैं, वो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को डालते हैं, और उसमें हाई लेवल लैंग्वेज में बाकी जो उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आ गई उनको रखते हैं. तो मुझे लगता है इतना काफी है आज के लिए. तो आप लोग इतना काफी है? यस सर.